शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डिश फॉर यू दुबई के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम बनाने लगे हैं अम्मी की स्पेशल कड़ी। अम्मी ने आधा किलो दही लिया है, दही को लस्सी में मिक्स किया है और उसमें एक पाव बेसन डाला है और अब ये लस्सी जो है अम्मी इसमें डाल रही हैं। दही फ्रीज हुआ हुआ था, अम्मी ने ऐसे ही ऐड कर दिया है। ठीक है, अब ये सारा इन्होंने डाल दिया है। स्पाइसेस में पानी मिक्स कर लिया है ताकि गुठलियाँ ना बने और तमाम स्पाइसेस अम्मी इसमें ऐड कर रही हैं। अम्मी ने इनको मिक्स कर दिया है और अब इसको पहले एक उबाल आने तक पकाएंगी और फिर स्लो फ्लेम पे 2 से 3 घंटे तक पकाती रहेंगी और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। तैयार हो चुकी है ये देखें। अब हम बनाएंगे पकौड़े। पकौड़ों के लिए 250 ग्राम एक पाव के करीब बेसन है। इसमें अम्मी ने हरी मिर्ची, पुदीना और हरा धनिया डाला है। ठीक है, ये देखें। इसमें नमक हसबे जायका, एक टेबल स्पून सूखा धनिया और ये लाल मिर्चें और ज़ीरा ये डालेंगी अम्मी। पकौड़ों का बैटर तैयार करने लगी हैं, ये देखें। पानी ऐड कर रही हैं और ये पकौड़े बना देंगी अम्मी अब। और ये देखें, इधर मैंने छोटी सी अम्मी की कढ़ाई है, अम्मी इसमें पकोड़े बनाएंगी। हाँ जी, ये देखें पकोड़े रेडी हो गए हैं। पकोड़े रेडी हो गए हैं और अम्मी अब इसको कढ़ी में डालने लगे हैं। कढ़ी के नीचे उन्होंने हल्का सा फ्लेम ऑन किया हुआ है कि पकोड़े नरम हो जाएं। ये देखें, ये सरसों का तेल डाला हुआ है करीबन 2 कप के करीब। ठीक है, ये ज़्यादा डालना है सरसों का तेल और इसको अच्छी तरह से जला लेना है। फिर एक प्याज है, अम्मी ने बारीक बारीक काटा हुआ है, एक टेबल स्पून ज़ीरा है और ये करीबन 15-16 लाल मिर्चें हैं। अम्मी ने प्याज डाल के चेक कर लिया है कि ऑयल अच्छी तरह जल गया है। अब अम्मी ने इसमें प्याज डाला है, और ये देखें ये ऊपर से तड़का लग गया। ये देखें, अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अम्मी ने ऊपर से इतना अच्छा गरम मसाला डाला है और ये देखें कढ़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको उबले हुए चावलों के साथ मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ी रेडी है और ये अम्मी ने बहुत अच्छे तरीके से बनाई है और आपने ज़रूर ये बनानी है ऐसे। ठीक है, माँ के हाथ का स्वाद अलग होता है, आप ज़रूर बनाइएगा। ये मेरी सास की स्पेशल कढ़ी है और इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखें। अल्लाह हाफिज़।